नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज पर ज्वराज के वीडियो में। हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित एक जीएस के बहुत ही शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये बुक दोस्तों 2023-24 का नया एडिशन है, ठीक है। इस बुक के अंदर जीके जीएस के कंप्लीट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया कि आज़ादी से लेके अब तक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में भी कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है। इस बुक के अंदर आपको सबसे पहले दोस्तों इतिहास है, जिसमें भारत एवं विश्व का इतिहास देखने को मिलेगा, आज़ादी के बाद का भारत है। उसके बाद दोस्तों भूगोल, भारत के राज्य, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य, शरीर क्रिया, कंप्यूटर ज्ञान, कला संस्कृति, नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि। मतलब कंप्लीट जीके जीएस को कवर किया गया है वन लाइनर अप्रोच में। मतलब थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ आपको कवर किया गया है किरण पब्लिकेशन के इस एनसीईआरटी पे आधारित जीके जीएस के बुक में, ठीक है। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 269 आपको देखने को मिलेगा, 269 रुपये एमआरपी देखने को मिलेगा। और इस बुक का जो कोड है दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, KP4195, ठीक है। इस कोड को ध्यान में रख के ही इस बुक को परचेस कीजिएगा, ये न्यू एडिशन का कोड है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे नंबर ऑफ पेज आपको 616 पेज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक के अंदर जो भी आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो भी आपको टॉपिक दोस्तों देखने को मिलेंगे, वो अप टू डेटेड आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। वन लाइनर सामान्य ज्ञान आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये बुक दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीएसएसएल हो गया, रेलवे के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। और ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा। लिंक आपको दोनों मीडियम का इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी आपको लेना होगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। 269 दोस्तों इस बुक का एमआरपी है, न्यू एडिशन ये बुक है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विषय सूची के बारे में। तो विषय सूची में आपको डिटेल आपको विषय सूची देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में दोस्तों देख सकते हैं काफी सारे टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास में डिटेल आपको टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। फिर विश्व का इतिहास है, उसके बाद आपको भारतीय कला एवं संस्कृति, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उसके बाद भूगोल, उसके बाद दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भारत के कुछ राज्यों का विवरण, जितने भी राज्य हैं उनका विवरण जानकारी देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जंतु विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद यहाँ कृषि व एवं पशुपालन हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, उसके बाद पारंपरिक सामान्य ज्ञान हो जाएगा, पुस्तकें एवं लेखे हो जाएगा, संक्षेप शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथि, सप्ताह, वर्ष एवं दशक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको खेलकूद देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, जिसमें आज़ादी से लेकर अब तक के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी, राज्यपाल के बारे में जानकारी, उसके बाद राज्यों की स्थापना। स्टैटिक जीके को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। और एक मानचित्र का ये बुक आता है दोस्तों, चाहे तो आप ले सकते हैं, भरत लाल का ये बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार बुक है, इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ क्लासिफाई किया गया है, पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को यहाँ पे एक ही पेज में बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि को एक जगह दे दिया गया, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे पूरा इतिहास है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो 600 ईसा पूर्व से लेके 14 ईस्वी हो गया, उसके बाद यहाँ 1562 अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1956 तक आपको देखने को मिलेगा कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उसी समय हुई थी शायद, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आपको लूसेंट में देखने को मिलता है वन लाइनर के फॉर्म में, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। लूसेंट से बेहतर है, क्योंकि लूसेंट में देखेंगे तो बहुत कम पेज होते हैं और बहुत ही कम पेज में सारा कुछ कवर किया होता है, बट इसमें जो देने का तरीका है ना, जीके जीएस को कवर करने का तरीका है, वो बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा।
प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और ये बुक दोस्तों लगभग कलरफुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक में कोई कमी नहीं है, हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर समझाया गया है दोस्तों। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद प्रमुख वस्तुएं हो गया, उसके बाद सारा कुछ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। और किरण पब्लिकेशन का ये जो बुक है दोस्तों बहुत फेमस है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप किसी बुक से भी कंपेयर करेंगे तो लूसेंट में क्या होता है, बहुत टॉपिक को बहुत शॉर्ट में दिया होता है, बट इस बुक में आप दोस्तों देखेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अशोक हो गया, अशोक के बाद क्या हुआ, एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा, आगे पीछे करके नहीं दिया गया। बट लूसेंट में क्या है, बलवन के बारे में जैसे बताया गया तो उसके बारे में कुछ भी आगे पीछे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट इस बुक में आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सारा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस तरह से क्लासिफाई करके बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको सारा जानकारी देखने को मिलने वाला है। तो ये बुक दोस्तों आप ले सकते हैं, बिल्कुल अप टू डेटेड है, जो भी जानकारी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल अप टू डेटेड जानकारी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तोमर वंश हो गया, सिसोदिया वंश हो गया, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको खिलजी वंश हो गया, 1290 से लेके, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी वंश आए उनके बारे में पूरा जानकारी दे दिया गया, ठीक है ना, यहाँ टेबल के फॉर्म में। मोहम्मद गौरी के बारे में बता दिया गया, अरबों के आक्रमण के बारे में बता दिया गया, हर एक चीज़ को सीक्वेंस में बताया गया। गुलाम वंश के बारे में पूरा जानकारी कि गुलाम वंश में कौन सा शासक कब आया था, किसने कितना दिन शासन किया। खिलजी वंश के बारे में पूरा जानकारी, ठीक है। सारा कुछ दोस्तों आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और कुछ भी आपको मिसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक को दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से क्लासिफाई करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। मध्यकालीन भारत के शिक्षा, साहित्य, कला के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टेबल को इस तरह से कवर किया गया है, जो स्टैटिक जीके है उसको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप परचेज कीजिए और इस बुक को आप स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है दोस्तों। तो बुक में भारतीय राज्य व्यवस्था यहाँ दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आगे दोस्तों अगर हम भारतीय भूगोल के बारे में बात करें तो भारतीय भूगोल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ कवर किया गया। हर एक फैक्ट को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है बुक के अंदर, और बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, फिगर भी आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी हो गया, उसके बाद हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से इस बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस बुक को दोस्तों ज़रूर आप परचेज कीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस बुक को आप लीजिए, बुक में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए हम दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ पे साइंस किस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले आप दोस्तों देख लीजिएगा, स्टेट जीके भी कवर किया गया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे दोस्तों देखिएगा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा जानकारी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बुक को आप दोस्तों परचेज कीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है, स्टेट जीके के साथ साथ आपको सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे जीएसटी हो गया, और मतलब ये अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे। तो जीके के कंप्लीट टॉपिक को इस बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। ये साइंस वाला पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आविष्कार हो गया, आविष्कारक हो गया, रेल बजट हो गया, तो ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आप दोस्तों देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं साइंस, बैंकिंग प्रणाली हो गया, ये सभी इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सारा टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक सामान्य विज्ञान हो गया, जिसमें भौतिक विज्ञान सबसे पहले आएगा, और भौतिक विज्ञान में आप दोस्तों देख सकते हैं सारे टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। बीमा हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया, संतुलन हो गया, उसके बाद विभिन्न युक्तियों में ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन हो गया, वर्क सरफेस टेंशन हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा, उसके बाद साउंड हो जाएगा, वेव मोशन एंड साउंड हो जाएगा, हीट हो जाएगा, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर दिया गया है, ठीक है। रसायन विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बुक को आप ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ फिगर भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगा, जो भी जानकारी है वो लेटेस्ट जानकारी है,
और बुक में सारे सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, तो इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, अंतिम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप स्टैटिक जीके का नाम दे सकते हैं। और सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, सारा स्टैटिक जीके वाला ये टॉपिक है और लेटेस्ट जानकारी इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, 2021 दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल अप टू डेटेड बुक है ये। ठीक है ना, जो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको जानकारी यहाँ स्पष्ट देखने को मिलने वाला है और सटीक जानकारी देखने को मिलने वाला है। तो जीके का जो बेहतरीन बुक है ना, आप इस बुक को ले सकते हैं। ये मार्केट में जो भी बुक आ रहे हैं उनमें सबसे अच्छा बुक इस बुक को आप कह सकते हैं। ठीक है, बुक में कोई भी कमी नहीं है, बुक दोस्तों अच्छा है। ठीक है ना, ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।